आइए आज 2011 का सेट नंबर 7 देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आया, इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टुगेदर 100 पीसोज। ये आपका लिंचो वाला पार्ट है, ए लेटर टू गॉड, जिसके राइटर हैं जीएल फ्यून्स। ठीक, इसका पूरा आपको हल कराया गया, वीडियो अपलोड भी है, देख भी सकते हैं, क्लास में बताया गया। अब देखिए इसमें जो दूसरा क्वेश्चन आया है, नो रिप्लाइड गुरु नानक। ये गुरु नानक वाला पार्ट इस वर्ष आपके कोर्स में नहीं है, तो ये अब टास्क वीरर से है, तो इसको आप काट दीजिए, इसको मत हल करिए। तो 60 नंबर वाले में देखिए, 60 वर्ड का जो क्वेश्चन आया है, हाउ कुड यू डिस्टिप्लीज द एच एलाट एंड टू वाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लिखाया भी गया है और देखिए वीडियो भी बना के डाला गया है, अपलोड किया गया है, उसको जरूर याद कर लिए, क्लियर। क्योंकि जिसकी वीडियो बनी है उसको हम हल नहीं करा रहे हैं, केवल आपको मैचिंग, ट्रू फॉल्स, ऑब्जेक्टिव प्लस ग्रामर पूरा हल कराएंगे, क्लियर। जितना हल कराया जाएगा पूरा इंपॉर्टेंट रहेगा, परीक्षा में आएगा। अब देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डज पीटी नेहरू डिजायर टू बी डन टू हिज बॉडी आफ्टर डेथ। पीटी नेहरू मृत्यु के बाद अपने शरीर का क्या करवाने की इच्छा करते हैं, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहला है। 25 वर्ड में देखिए, व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर टू गॉड, दूसरे लेटर में जो है भगवान को जब लिखा था तो लेंचो ने क्या लिखा था, इसका आंसर देना है। चलिए आगे चलते हैं, वाई डिड यच टेक द फॉर्म ऑफ इट, यच ने यम का रूप, सॉरी वाई डिड यम टेक, यम ने यच का रूप धारण क्यों कर लिया था, ये सब क्वेश्चन आपको बताया गया है युधिष्ठिर से मिलने के लिए और उनकी परीक्षा लेने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए मैचिंग वाला, देखिए 4 नंबर इसमें आपको पक्का हो जाएगा, एट लेंथ माने होता है अंत में, तो एट लास्ट हो जाएगा, रिलेक्टेंट माने होता है अनिच्छुक, अनविलिंग हो जाएगा, रिसेप्शन का स्वागत होता है वेलकम, पुटअप माने रहना या ठहरना, तो हो जाएगा ड्वेल, ठीक ना, पुटअप का किसके हो जाएगा ड्वेल। तो चलिए आगे, नॉट इन्जॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डिस्टिन, ये कहाँ से लिया गया, ये आपका द साम ऑफ लाइफ, इसके कवि कौन है, बेन एच डब्ल्यू लॉन्ग फेलो, क्लियर। ये सभी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। सेंट्रल आइडिया लिखो या तो आप, ठीक है, एक बात ये भी जान लो, इसमें दो दिया है ना नीचे वाला, ब्राइडल सॉन्ग सरोजिनी नायडू कवित्री हैं इसके, और पाठ का नाम है द विलेज सॉन्ग। फिर उसके बाद सेंट्रल आइडिया लिखो या 4 लाइन कविता लिखो। 7वां क्वेश्चन आ जाओ, इसमें जो है एडिसन क्यों निकाला गया था स्कूल से, विक्रमादित्य के सभी के द्वारा क्यों प्रशंसा की जाती है, 2 क्वेश्चन आप याद कर लो। 3रा इस वर्ष आपके सिलेबस में नहीं आएगा। उसके बाद ट्रू फॉल्स देख लेते हैं, नकुल वाज द सन ऑफ माद्री। तो देखिए इसमें भी इस तरह के क्वेश्चन तो हर साल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन देख लीजिए इसमें आया है, तो नकुल माद्री के पुत्र थे, ट्रू है कि फॉल्स, ठीक है, ये बात तो ट्रू है। यम हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यच, यम ने यच का रूप धारण कर लिया था, सही है। लेंचो डिड नॉट बिलीव इन गॉड, लेंचो भगवान में विश्वास नहीं करता था, बात गलत है। हरिदास वाज द गुरु ऑफ तानसेन, बात तो सही है लेकिन ये आपके कोर्स में इस वर्ष नहीं है। तानसेन वाज क्या था, तानसेन एक संगीतकार था, इसमें म्यूजिशियन है, ये भी आपके कोर्स में इस वर्ष नहीं है। नो कंट्री कैन प्रोग्रेस अनलेस इट हैज गुड सिटीजन, सही है लेकिन ये भी इस वर्ष आपके कोर्स में नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला है पीपुल लव सॉक्रेटिस फॉर हिज, लोग सक्रात को क्यों प्रेम करते थे, नोबल हर्ट के नाते, श्रेष्ठ हृदय था उसका। द पोस्ट मास्टर आंसर द लेंचो लेटर टू, क्यों पत्र दिया, का आंसर दिया था पोस्ट मास्टर, सेक द राइटर फेथ इन गॉड, हाँ लेखक का भगवान में विश्वास बचाए रखने के लिए, नहीं तो डिग जाता, ठीक ना, खत्म हो जाता। करेक्ट सेंटेंस बनाइए, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट लिखो, फॉर्चून की बात किया जा रहा है, कौन पक्ष देता है, फॉर्चून, उसके बाद आपको लिखना है फेवर्स, उसके बाद द लिखना है, तब ब्रेव लास्ट में लिखना है, तब फुल स्टॉप। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, भाग्य बहादुर का पक्ष लेता है। आगे देखते हैं, द अर्थ इज राउंड कर दीजिए, दूसरा द अर्थ इज राउंड, पहला फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव था, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, दूसरा द अर्थ इज राउंड। अब देखते हैं पायसुवास बनाना है, डू दिस वर्क, लेट दिस वर्क बी डन,
हाँ पहले लेट कर दो, उसके बाद दिस वर्क करो, बी कर दो, तब डू का थर्ड फॉर्म डन। लेट दिस वर्क बी डन, ऐसे कर दो। दूसरा वाक्य इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसमें कुछ करना नहीं, डू कर दो, क्योंकि आई कम तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लास्ट में प्लस नॉट सेकंड सेंस। डू आई कम फ्रॉम बुलंदशहर, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, लास्ट में प्रश्नवाचक की रूल लगा देना। राम डज नॉट गो देयर, राम वहाँ नहीं जाता है, डज नॉट हटा दो, तब गो में ईएस जुड़ जाएगा, राम गोज हो जाएगा, राम एक वचन है ना, तो गोज हो जाएगा, ठीक। अगला, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज द रेन, हाउ द रेन, हाउ पहले द रेन लिखोगे ऐसा टू सेंटेंस में ना, द रेन इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, जैसे इनडायरेक्ट नहीं चेंज करते इसका मैट्रिक, वही काम यहाँ भी कर लो, टोटल टेंस ना बदलो, क्लियर। द रेन इज वेरी ब्यूटीफुल कर दोगे तो हाउ का वेरी हो जाता है एसर्ट सेंटेंस में, और सब्जेक्ट द रेन जो लास्ट में पहले हो जाएगा, फुल स्टॉप लास्ट में लग जाएगा। चले देखिए इनडायरेक्ट बनाइए, सी सेड आई हैव सीन द ताजमहल, नहीं आई का सी के अनुसार सी हो जाएगा, सी सेड दैट सी हैव का हैड हो जाएगा, उसके बाद जो है सीन द ताजमहल, सी सेड दैट सी हैड सीन द ताजमहल, उसने कहा कि वह ताजमहल देख चुकी थी। चलिए देखते हैं अगला, गीता सेड, गीता ने कहा आई शैल लीव माय क्लॉथेस हियर, तो गीता सेड दैट कर दें हम, आई का गीता के अनुसार सी हो जाएगा, बिल का उड हो जाता है, सी उड, हाँ सी के साथ तो बिल लगता है इसलिए उड हो जाएगा। गीता सेड दैट सी उड, लिव के लिए भी रहेगा, माई का गीता के अनुसार हर हो जाएगा, क्लियर। और हियर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, तब फुल स्टॉप। फिर सुन लो, गीता सेड दैट सी उड लीव हर क्लॉथेज देयर, समझ में आ गया। आगे इट इट, बी का करेक्ट फॉर्म करना है तो इट साथ क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, इट इज टू कोल्ड टू मूव आउट, ठीक ना। ही सम हाउ एट हो जाएगा सेकंड फॉर्म, एट द फूड, वह किसी प्रकार से उस भोजन को किया सर्व टू हिम इन द प्रिजन, जो उसे जेल में सर्व माने परसा गया था, ठीक ना, परसना होता सर्व माने, यहाँ होगा तो पास्ट की बात है तो इसलिए एट का एट ही होगा, बीती बात है, पास्ट इंडिफरेंट। अगला होगा दे रिमेंड हो जाएगा, पास्ट इंडिफरेंट में भी होगा, हिंदी होगी वो पूरे अपने पूरे जीवन गरीब रहे, रहे मतलब पास्ट इंडिफरेंट टेंस, क्लियर, बीती बात है। वर्क हार्ड लेस्ट यू के साथ सुड कर दो, सैल का पास्ट टेंस सुड हो जाएगा, लेस्ट के साथ वैसे भी सुड ही आता और कोई सहक्रिया नहीं आती है। सी वर्क्स, ठीक है, तो सी वर्क्स विथ मी हो जाएगा, वह मेरे साथ काम करती है, तो किसी के साथ जब दो लोगों का संयोग होता है तो विथ लगता है, ठीक ना। दूसरे में दीनू रैन ए रेस फार रहेगा, मतलब दीनू जो है फर्स्ट के लिए दौड़ जीता, दौड़ा, ठीक ना, फार लगेगा, फार फर्स्ट, ही वेंट इनटू लगेगा क्योंकि गति प्रकट होगा, बाहर से अंदर जाने के लिए कमरे में अंदर जाएगा तो बी टू लगेगा। उसके बाद जो है अगला लास्ट वाले में सिंस कर दो आप, क्योंकि सितंबर 1990 निश्चित समय है तो आप इसमें सिंस कर दो, समझ में आ गया ना। अगला देखते हैं, कंप्लीट दिस फॉलोइंग सेंटेंस, यू कैन स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, तुम कक्षा में प्रथम आ सकते हो, इफ यू वर्क हार्ड, हाँ इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करो तो, क्लियर, इफ यू वर्क हार्ड कर दो वाक्य एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, यू फेल्ड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज यू डिड नॉट वर्क हार्ड, तुम परीक्षा में फेल हो गए क्योंकि तुम कठिन परिश्रम नहीं करे, तो यू डिड नॉट वर्क हार्ड कर दो वाक्य एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अगला स्टेशन कर दो, एस टी ए टी आई ओ एन कर दो, दूसरा में क्या हो जाएगा, एच ओ एल वाई, होली कर दो, पवित्र या होल भी कर सकते हो, एच ओ एल ई, क्लियर, दोनों कर सकते हो, ठीक। लेटर एल ई डबल टी ई आर,
हाँ ये पहली बार टी कर दो, दूसरी बार ई कर दो, ठीक है, एल ई डबल टी ई आर। पंचुएशन देख लीजिए, पंचुएशन में आई बड़े से कर दो पहला अक्षर, राजू मार बड़े से कर दो, क्लियर, आई से टू राजू, राजू के बाद कामा कर दो, डबल टू कामा कर दो, फिर एम बड़े से कर दो मीट में, मीट योर एमएलए, एमएलए का सभी अक्षर बड़े से करके, ठीक है ना, सबके बाद फुल स्टाफ लगा दो, एमएलए है ये विधायक की अंग्रेजी, ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हाँ तीनों के बाद आप फुल स्टाफ कर दो, वैसे एमएलए बड़े से भी लिख दोगे तो फुल स्टाफ नहीं भी करोगे तो वो भी स्पेलिंग सही मानी जाती है मिस्टर की तरह, क्लियर, लेकिन तीनों अक्षर बड़े से रहेंगे, मेन मुद्दा ये है, क्लियर, और तीनों कैप्टन से लिख दो, तीनों के बाद फुल स्टाफ भी लगा दो। अगला देखिए, आई एंड टेल हिम योर प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स के बाद फुल स्टाफ करके इन्वर्टेड कॉमा आप क्या करोगे, बंद कर दोगे, ठीक। अब आइए ट्रांसलेशन देखते हैं, ठीक, ट्रांसलेशन है आपका, प्रत्येक व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस का नाम जानता है, एवरीवन, एवरीवन माने प्रत्येक व्यक्ति, नोज के एन ओ डब्ल्यू एस, द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस, नोज रहेगा, एवरीवन एक वचन है, ईच एवरी के साथ एक वचन की वर्ब लगती है, क्लियर, एवरीवन नोज के एन ओ डब्ल्यू एस, द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस, क्लियर। उनका जन्म कटक में सन 1897 ईस्वी में हुआ था, तो ही वाज बार्न इन कटक, सी यू डबल टी ए सी के, हाँ कटक की स्पेलिंग सी यू डबल टी ए सी के रहेगा, कट लिख के टैग जोड़ दीजिए, सी यू टी टी ए सी के, सी यू डबल टी ए सी के, कटक, ही वाज बार्न इन कटक ऑन 1895 97, आन 1897 जैसे है वैसे लिख दो, क्लियर। अगला, क्योंकि दिनांक पहले आन लगता है, ठीक, स्थान पहले इन लगाया। अगला है, वे एक महान नेता देशभक्त थे, ही वाज, वे क्या करें, यहाँ ही लिखा जाएगा, ध्यान देना, एक ही आदमी की बात किया, ही वाज ए ग्रेट पैट्रियाट, ही वाज ए ग्रेट पैट्रियाट, पी ए टी आर आई ओ टी, ही वाज ए ग्रेट पैट्रियाट, बात समझ में आ गया, वह देश की आज़ादी के लिए वीरता से लड़े, ही फाट ब्रेबली, बी आर ए वी एल वाई, ब्रेबली माने वीरता से, ही फाट ब्रेबली फॉर द फ्रीडम ऑफ कंट्री, फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री, समझ गए ना, ही फाट ब्रेवली फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री, क्लियर। हम उनका बहुत आदर करते हैं, वी रेस्पेक्ट हिम वेरी मच, वी रेस्पेक्ट हिम वेरी मच, बात समझ गए ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे, राइट लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम फॉर मनी टू बाय बुक्स, बताया गया है आपको किताब में भी, पिताजी को पत्र लिखना है उसे किताब खरीदने के लिए धन मांगना है, आज फार माने होता मांगना, आस्किंग हिम फॉर मनी माने उनसे धन मांगो, या फिर यही कुछ एप्लीकेशन आया, प्रिंसिपल को रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव टू अटेंड योर सिस्टर वेडिंग, बहन की शादी में ठीक है उपस्थित होने के लिए जो है प्रिंसिपल को जो है एक पत्र लिखो कि आपको वहाँ उपस्थित होने के लिए छुट्टी दे दें, क्लियर, कह रहा है कि एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखो रिक्वेस्टिंग उसे या प्रार्थना करो टू ग्रांट यू लीव, कि वह तुमको छुट्टी दे रहे हैं टू अटेंड योर सिस्टर्स वेयर वेडिंग, वेडिंग माने शादी होता है, मैरिज माने भी शादी, तो इसको किताब में आया है, फ्रेंड को इन्वाइट करने के लिए आया था किताब में, क्लियर, तो वही मैटर आपको यहाँ प्रिंसिपल को बता देना है कि शादी पड़ी है तो हमको छुट्टी चाहिए, जितना दिन की मर्जी है, इसमें कुछ बताया नहीं है, दो दिन तीन दिन चार या एक दिन जो भी लेना चाहो आप ले सकते हो, क्लियर। चले देखते हैं अप्लीकेशन हो गया, निबंध में योर प्रिंसिपल आया, टेलीविजन आया, फेवरेट फेस्टिवल आया, ठीक, किसी एक पर आपको लिखना है तो यू कैन राइट, बताया भी गया है, डू नॉट राइट योर, नहीं नहीं, हाँ तो ये जो पूछ रहे हो, डू नॉट राइट योर नेम एंड रोल नंबर,
तो अपना नाम और रोल नंबर एप्लीकेशन के बाद में आपको नहीं लिखना, जैसे योर सोबीडियंटली के बाद आपको अपना नाम नहीं लिख देना, एक्स वाई जेड लिख दो या तो ए बी सी लिख दो, और रोल नंबर भी नहीं लिखना है। क्लियर? सब सही है, ऐसे कुछ भी नहीं होता, लिख सकते हो। ए बी सी का मतलब होता है प्रारंभिक ज्ञान होता है, ऐसा कुछ नहीं। किताब में आपको ए बी सी भी बताया गया, राजू प्रकाशन में, एक्स वाई जेड भी आप कह सकते हो काका प्रकाशन में, दोनों लिख सकते हो, गलत नहीं होगा, लेकिन एक्स वाई जेड लिखना ज़्यादा बेहतर माना जाएगा, फिलहाल गलत नहीं है दोनों। तो देखिए अनसेन पैसेज ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हम अनसेन पैसेज इंपॉर्टेंट आपको कराया जा रहा है उसी में से आएंगे, नहीं तो आप खुद कर लोगे। क्लियर? तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।